الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بزرگان محترم मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों और दीगर हाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व ताला मेरा और आप सभी हजरात का तन्हा खालिक है, तन्हा मालिक है, वही मेरा और आपका तन्हा माबूद बरहक है। उसकी बंदगी मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद है और उसकी बंदगी में उसके हर फैसले से राज़ी रहना एक मुसलमान एक मोमिन की हैसियत से मेरा और आपका फ़र्ज़ है। हमारे नफ़ा और नुकसान के सारे मुआमलात उसी के इख्तियार में हैं। हमारे हक़ में जो भी वो फ़ैसला करता है अंजामे कार अंजाम के एतबार से वो हमारे हक में बेहतर होता है। उसी की अजमत उसी की बड़ाई उसी की किबरियाई के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हम और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कमाल भी यही था कि उन्होंने इसी हकीकत को सारी जिंदगी अपनी निगाहों के सामने रखकर जिंदगी गुजारी। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में सभी अंबिया का यही कमाल था कि वो इसी अजीम पैगाम को दुनिया वालों के सामने आम करते रहे और सारी जिंदगी इसी पैगाम पर खुद अमल करते रहे और दुनिया वालों को इसी की तरफ बुलाते रहे। रब की अजमत रब की बड़ाई रब की किबरियाई उसी की बंदगी और उसी की इबादत करते रहना ये मेरी और आपकी फजीलत का बाइस है, ये मेरी और आपकी शानो शौकत का बाइस है। ईद की ये जो मुनासबत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई बेमिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई इंतहाई गैर मामूली शरीयत का एक अजीम मौका है जो खुशी के मौके के तौर पे अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए मशरू करार दिया। आज हम और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी शरीयत की इस अजीम इबादत को अंजाम देने के लिए यहां इकट्ठा हुए। आप सभी जानते हैं कि सालाना हम और आप ईद जिस तरह मनाते हैं अल्लाह का यह फैसला है कि अब की बार ये ईद पिछले सालों जैसी न रहे, आइंदा का पता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ताला दिनों को बदलते रहते हैं। अल्लाह ताला और क्या फैसला हमारे हक में करेगा अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हालात कैसे ही बदलते क्यों ना रहे, हर हाल में हम अल्लाह ताला की बंदगी के रास्ते तलाश करते रहें। आप देखें गुज़िश्ता साल की बकरईद हमने मैदान में गुजारी, रमजान की ईद आई तो हमें मस्जिदों तक आना भी मौका नसीब ना हुआ। इस बकरईद में हालांकि हालात पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मस्जिदों तक आने का मौका दिया है। अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी और आखिर जिंदगी और मौत के जो मामलात हैं उनके सिलसिले में ऐसे ही फैसले करता रहता है। हर हाल में अल्लाह ताला की बंदगी करना उसी की इबादत करना उसी के साथ लगे रहना ये मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद है और यही सबसे बड़ा सबक है जो हम और आपको इस ईद ने सिखाया है। हाजीने गिरामी
हम और आप जानते हैं कि ये ईद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी, वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, उसको अल्लाह ने इस कदर पसंद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक के लिए मुसलमानों के लिए ईद की एक मुनासिबत बना दी और कहा तुम जानवरों की कुर्बानी देकर इस ईद को, इस खुशी को मनाओ और अल्लाह ताला की बंदगी का इजहार करो, अल्लाह ताला के नाम की अजमत बयान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत, अंबिया अलैहिस्सलाम की जो सीरतें कुरान में बयान हुई हैं उनमें से एक मुफस्सल तरीन सीरतों में से एक सीरत। आप और मैं अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पर रुक कर सबक लेना चाहें, बेशुमार सबक मेरे और आपके लिए इस दुनिया के अंदर मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि हर हाल में अल्लाह ताला की बंदगी कैसे की जाती है। हालात की मुनासिबत से आज की इस खिताब में, खुतबे में, मैं आप हजरात के सामने सिर्फ दो सबक याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहला सबक यह है कि इस्लाम हम और आपको यह सिखाता है कि ये दुनिया अमनो अमान की जगह नहीं है, यहां अमनो सुकून का मामला घटता बढ़ता रहता है और यहां हर शख्स आजमाया जाता है जिंदगी में मसाइब का, मुश्किलात का, परेशानियों का, रुकावटों का, मसाइल का आना यह अल्लाह ताला की तय करदा सुन्नत है। अहसिबन्ना सुयुत्रक वन यकुलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो कहेंगे हम ईमान लाए तो उनको छोड़ दिया जाएगा, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? ये आजमाइश अल्लाह ताला की सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत मुझको और आपको एक सबक यह देती है कि जिंदगी में आजमाइश सबके आती है, लेकिन आजमाइश को बंदगी बना लेना, आजमाइश को अल्लाह से करीब होने का जरिया बना लेना, आजमाइश को आजमाइश के बजाय कामयाबी का रास्ता बना लेना और हर आजमाइश के बाद अल्लाह से और करीब हो जाना, यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का इम्तियाज था। हम और आप अपनी जिंदगी में सुबह शाम मसाइल का सामना करते हैं, कोई सेहत के मसाइल से परेशान, कोई तिजारत के मसाइल को लेकर परेशान है, कोई घर बार के अंदर बीवी मियां बीवी के मसाइल, औलाद और वालिदैन के मसाइल, भाई बहनों के मसाइल, रिश्ते नातों के मसाइल, खानदान कबीले के मसाइल, और इनसे हटकर अगर हम आज कौम व मिल्लत की बात करें, आज कौम व मिल्लत की बात करें तो हिंदुस्तान के मुसलमान के सामने आज जिस किस्म के मसाइल, लॉकडाउन से पहले पहले जैसी सूरत हाल थी, ये सारी की सारी हमें एक हकीकत याद दिलाती हैं कि हमारी जिंदगी आजमाइशों से भरी है। सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सबक ये सीखना चाहिए कि आजमाइशों से हार के बैठ जाना यह अंबिया का तरीका नहीं था, आजमाइशों की शिकायत करते जिंदगी गुजार देना यह अंबिया का तरीका नहीं था। हर आजमाइश का सामना समझदारी के साथ और अल्लाह ताला की बंदगी का रास्ता क्या है, इस आजमाइश में भी मैं अल्लाह ताला के सामने कामयाब कैसे हो सकता हूं, इस सबक को याद रखकर जिंदगी गुजारना, यह मोमिन की पहचान है, यह मोमिन की शनाख्त है। आप देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना आजमाया, कितना आजमाया, सारी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई। अल्लाह ताला ने दो दो बीवियां दी लेकिन तकरीबन 80 साल की उम्र तक कोई औलाद अल्लाह ने नहीं दी, आजमाए गए। अल्लाह ने औलाद दी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े फर्जंद की हैसियत से पैदा हुए, अभी वो लड़कपन की उम्र में थे कि उनको जान, बल्कि उससे पहले मियां बीवी को अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हाजर दोनों को आजमाने के लिए फैसला किया कि जाओ अपने बच्चे और अपनी बीवी को एक ऐसे मैदान में छोड़कर चले आओ जहां दरख्त तक नहीं, पानी का एक कतरा नहीं, लेकिन तुम छोड़कर वहां से चले आओ। हजरत इब्राहिम ने किया, अल्लाह ने हुक्म दिया जानवर जबा कर, अल्लाह कहा कि तुम अपने बच्चे को जबा करो, तैयार हो गए जबा करने के लिए। हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ अपने घर बार को छोड़कर हिजरत करो, हिजरत की, अपना मुल्क अपनी बस्ती छोड़कर निकल गए। सारी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई है, लेकिन सबक जो हजरत इब्राहिम हमें और आपको सिखा गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत ने जो हम और आपको सिखा दिया, वह सबक यह है कि हर आजमाइश में हजरत इब्राहिम कामयाब थे। अब फर्क कहां मेरे और आप में है,
अगर हम सुन्नत इब्राहिमी के पैरोकार हैं, नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, हजरत इब्राहिम हो के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर आजमाइश में कामयाब होकर निकलना ये उनकी शान थी, ये उनकी पहचान थी। हम और आप भी अगर अपने आप को इसी नक्शे कदम पर चलाएंगे तो हमने सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वाकई मानों में सबक सीखा। ये पहला सबक है जो हम और आपको याद रखना चाहिए। जिंदगी मसाइल मसाइब का जंगल है। जिस तरह आदमी जंगल में भटक जाता है, अक्सर इंसान मसाइब में कुछ ऐसे उलझ जाता है कि जिंदगी का मकसद भूल जाता है, जिंदगी का चैन सुकून भूल जाता है, जिंदगी के अंदर जीने के लिए जो हिम्मत और हौसला चाहिए वो कहीं गवा बैठता है। सीरत इब्राहिम सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा करके अगर सही रास्ते पर मेहनत करोगे, हर मुश्किल से कामयाब और कामरान बनकर निकलोगे, हर मुश्किल तुम्हें अल्लाह से और नजदीक करेगी, हर आजमाइश के बाद तुम अल्लाह के और महबूब बनोगे, और हर मुश्किल के बाद तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह ताला से और मजबूत होता चला जाएगा। यह पहला सबक है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत आज के हालात में मुझको और आपको सिखाती। दूसरा सबक जो हजरत इब्राहिम की सीरत से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि भाइयों, जिंदगी में इखलास की बड़ी कदर कीमत हो। रब की बंदगी का मामला हो, मुखलिस रहो अपनी इबादतों के अंदर, अल्लाह से हमारे अपने ताल्लुक में हमारा इखलास होना चाहिए। वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खसूसियत यह थी, वो सबसे कटकर अल्लाह ताला की तरफ यकसू होने वाले थे। उनका रुख सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ था, उनका गैर अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं था। आज उम्मीदों में हमारे कुछ सहारे दुनिया में हमने बना लिए हैं, मुश्किलात में कुछ सहारे हमने अपनी तरफ से बना लिए हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से यह सबक मुझको और आपको सिखाया है। वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यकसू होकर अल्लाह ताला की इबादत करने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इखलास की ये बरकत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दिखाई है कि हजरत इब्राहिम की जिंदगी का हर मामला रहती दुनिया तक अल्लाह ताला ने एक सबक बना दिया जो दुनिया पढ़ेगी, सीखेगी, अमल करेगी, और जैसे वो कामयाब हुए वैसे ही कामयाब होती जाएगी। जिंदगी में जो करो इखलास के साथ करो। बीवी अगर शौहर के साथ मुखलिस ना हो वो अच्छी बीवी नहीं बन सकती, शौहर अगर अपनी बीवी के साथ मुखलिस ना हो वो अच्छा शौहर नहीं बन सकता, और अगर कोई मातहत अपने अपने जिम्मेदार के साथ, अपने मालिक के साथ, या अपने कंपनी के या अपने कारोबार का जो बड़ा है उसके साथ अगर वो मुखलिस ना हो वो अच्छा मातहत नहीं बन सकता। अगर कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी के साथ मुखलिस ना हो वो आदमी अच्छा जिम्मेदार नहीं हो सकता, और अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ मुखलिस ना हो वो आपका अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। इखलास असल में हमारे आमाल की कदर कीमत, हमारी कीमत इखलास की वजह से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में ऐसे कुछ आमाल बयान किए जिन आमाल का बजाहिर एक दर्जा है लेकिन इतने बड़े आमाल नहीं नजर आते कि उनकी बुनियाद पे आदमी को जन्नत मिल जाए, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ताला ने कुछ बंदों को जन्नत दे दी। आपने सुना, एक आदमी रास्ते से जा रहा था, रास्ते में एक दरख्त की डाली झुकी हुई थी। उसने सोचा रास्ते से गुजरने वाले लोगों को यह डाली बहुत तकलीफ दे सकती है, उसने सिर्फ डाली कट कर दी। कितना बड़ा काम है, कौन सी बड़ी नेकी, बजाहिर है नेकी है लेकिन कितनी बड़ी नेकी, बजाहिर कोई बड़ी नेकी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते फशकरल्लाहु ला फगफर ला, अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को पसंद किया, अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया और उसको जन्नत अता कर दी। आपने सुना है, एक औरत बदकार थी, बुरी थी, और दूसरी हदीस में एक मर्द का जिक्र आया, इन्होंने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बदले में उनकी मगफिरत कर दी। यह कैसे हुआ? अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस किस्म के कुछ वाकियात को इकट्ठा करने के बाद लिखा है कि मामला असल में अल्लाह ताला के पास हमेशा अमल के बड़े और छोटे होने ही को नहीं देखा जाता, हमेशा कमियत और मकदार ही को नहीं देता, हमेशा क्वांटिटी को नहीं देखा जाता,
अल्लाह तबारक व तआला के पास क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के साथ क्वालिटी की अल्लाह तआला के पास अहमियत है, कमियत के साथ कैफियत का अल्लाह तआला के पास एतबार है। ये अमल बज़ाहिर मामूली नजर आते हैं, लेकिन अमल करते हुए इन बंदों का इखलास इस दर्जे का था कि अल्लाह तआला ने इखलास के साथ किए गए इस अमल को ही अल्लाह तआला ने कबूल कर लिया, पसंद कर लिया। भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत हम और आपको यही बताती है, बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए, इखलास इस कदर ज्यादा था, इस कदर ज्यादा था कि बेटा का बेटा भी अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ताला ने बेटे को ज़बह होने ना दिया, उसके बजाय अल्लाह तबारक व ताला ने एक दुम्बा ज़बह करवा दिया और साथ में रहती दुनिया तक हजरत इब्राहिम की सुन्नत को अल्लाह ताला ने जारी और सारी भी कर दिया। इखलास के साथ हम और आप अगर अमल करें, जो काम करें, जो मामला करें, जिसके साथ मामला करें, अपने आप को मुखलिस बनाएं, मफाद परस्ती, मतलब परस्ती या फिर दुनियादारी या दुनिया का कोई भी मामला मेरे और आपके दुनिया के सारे ताल्लुकात को फीका कर देता है, बेमाना कर देता है, उनकी जो चाशनी है उसके अंदर जो लज्जत है उन ताल्लुकात की लज्जत को खत्म कर देता है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। क्यों? इसलिए कि जब बंदे के दिल में इखलास ना हो तो आदमी चुन चुन के मिलता है कि इससे मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा क्या नुकसान है। आदमी इसी शर्त पर अगर मुआमलात करे, दुनिया गुजर जाएगी लेकिन उसकी दुनिया में सुकून, इत्मीनान, खुशी, मसर्रत नहीं होगी। और जब इस दुनिया के मामूली से इंसान चाहता है कि हर कोई उसके साथ मुखलिस रहे तो फिर रब्बे जुल जलाल का मामला क्या होगा? वो रब जो बेनियाज है उसके साथ मेरे और आपके ताल्लुकात मामलात इखलास पर मबनी ना हो तो फिर किसके साथ इखलास पर मबनी होंगे? हाजिने गिरामी, इखलास, अल्लाह ताला से ताल्लुक और दुनिया के किसी भी मामले के अंदर इखलास अपनाएं, यह सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दूसरा सबक है। हाजिने गिरामी, ईद की यह मुनासिबत है, मैं गुफ्तगू को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता कि लंबी गुफ्तगू का यह मौका नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुर्बानी करते हुए अपनी कुर्बानियों में मुखलिस रहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा खून, तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा जो है खून, जो जानवरों का खून और गोश्त है, वो अल्लाह ताला को नहीं पहुंचता। वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, जिस तकवे के साथ तुम जानवर ज़बह करते हो वो तकवा अल्लाह ताला के पास पहुंचता है। इखलास के साथ कुर्बानी करें और कुर्बानी करने के साथ साथ इस्लामी शरीयत की तालीमात का ख्याल रखें। हम और आप जानवरों को ज़बह करने के साथ साथ पाकी सफाई का एहतमाम करें। हमारे समाज के अंदर यह बात कभी आनी नहीं चाहिए कि हमारी ईद बस्ती मोहल्ले के अंदर गंदगी फैलाने का सबब बन जाता है। पुराना जमाना था, लोग मजबूर हो सकते थे, आज तो इतने सारे इंतजाम हैं, इतनी सहूलतें कि आप सारी गंदगी एक जगह इकट्ठा करके एक किसी चीज के अंदर महफूज रख सकते हैं और फिर मुतअल्लिका मखसूस मुकाम पे ले जाके डाल सकते हैं। बस्ती मोहल्ले में अगर गंदगी जमा हो रही है, इलाके के जो जिम्मेदार हैं, जो काउंसलर हैं, जो इदारे हैं, उनसे राबिता करके कहिए उठाओ यहां से गंदगी। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बस्ती और मोहल्ले की पाकी सफाई का ख्याल रखें। जानवरों को आप कुर्बान कर रहे हैं, कुर्बान करने के बाद आप जानते हैं कैसे मुश्किल हालात में यह ईद आई है। आज के दिन यह नहीं होना चाहिए कि हमारे घर तो गोश्त बने, हमारे घर तो अच्छे पकवान पकें, लेकिन हमारे बस्ती मोहल्ले में कोई मुसलमान ऐसा भी रह जाए जिसे आज के दिन भी गोश्त खाना नसीब ना हो। इसलिए अपनी कुर्बानियों को इस कदर ज्यादा लोगों में फैलाएं कि वह मुस्तहिकीन तक पहुंच जाए। आप जानते हैं यह मामला दो तरफा है, एक तरफ मुस्तहिकों तक गोश्त पहुंचना है और दूसरी तरफ यह भी मामला है कि इस वक्त बीमारी की सूरत हाल में ज्यादा घूमना फिरना यह खुद भी नुकसानदेह हो सकता है। आप समझदार लोग हैं, मामले को कैसे तरतीब दिया जा सकता है आप कर सकते हैं। आप अपने तौर पे कोशिश कीजिए कि सारे मुस्तहिकों तक यह गोश्त पहुंचे। मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा लंबे नहीं करना चाहता, मुख्तसर तौर पर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुर्बानी यह बड़ी अजीम इबादत है, इखलास के साथ कुर्बानी करें। हमारी ये कुर्बानियां हमारे अमाल नामे में इखलास के उस दर्जे पर हों जहां मेरी और आपकी नजात जरिया बन जाए, इसकी कोशिश हम और आप करें। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि
कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सभी हजरात को सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रोशनी में अपनी जिंदगियां संवारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको जो कुछ हमने कहा सुना है उसको कहने और सुनने से ज्यादा अपनी जिंदगी में अपनाने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मगफिरत फरमाए, हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमाए, हमारे आबाओ अजदाद जो इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, जो लोग इस वक्त बीमार हैं किसी भी किस्म की बीमारी में अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी इस बीमारी को उनके गुनाहों का कफारा बना दे, जो लोग इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उनकी इस मुसीबत को उनकी इस परेशानी को और उनके घर वालों की इस परेशानी को अल्लाह ताला उनके लिए मगफिरत का सामान बना दे, मगफिरत का जरिया बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बेरोजगार हैं अल्लाह ताला उनको रोजगार नसीब फरमाए, और जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज की आसानी की सबील पैदा फरमाए, जो हम में से किसी भी मसले को लेकर परेशान हैं उनकी परेशानी का हल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उनको दीन की तरफ वापस लाए, अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के शर से सबकी हिफाजत फरमाए, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए, मकरो फरेब जो भी मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है अल्लाह ताला वो मकरो फरेब उन्हीं पर उलट दे, और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे सीधे रास्ते सीधा रास्ते पर चलने की उनको भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझको और आपको ईद की खुशियां नसीब फरमाए, हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला बंदगी का कमाल भी अता करे, जिंदगी की खुशियां भी अता करे। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।